एक जंगल में एक डायनासोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया डायनासोर जंगल में सबसे शक्तिशाली था, इसी वजह से वह जंगल का राजा था। हरिया की पत्नी पूजा और दो बच्चे भी हरिया के साथ रहते थे। दोनों अब बड़े हो रहे थे। एक दिन हरिया डायनासोर अपनी पत्नी से बोला, अरे पूजा, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उन्हें शिकार करना सिखाना होगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, हमें अपने बच्चों को सही समय पर शिकार करना सिखाना होगा, ताकि वह कालिया जैसे शैतान डायनासोर से लड़ सकें। एक दिन हरिया के बच्चे बोले, पिताजी अब हम बड़े हो रहे हैं और अब हम भी शिकार करना चाहते हैं, कब तक हम ऐसे ही घर में रहकर मुफ्त का खाना खाते रहेंगे। नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम अकेले शिकार कर पाओ, हम जल्दी ही तुम दोनों को शिकार करना सिखाएंगे। जब भी तुम पहला शिकार करोगे तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, और जब तुम दोनों शिकार करना सीख जाओगे तब तुम अकेले जा सकते हो। दोनों बच्चे हरिया की बात सुनकर मायूस हो गए, क्योंकि वह दोनों अकेले शिकार करना चाहते थे। एक दिन हरिया जंगल में शिकार के लिए निकला था और पूजा घर पर बच्चों के साथ थी। तभी हरिया का बड़ा बच्चा बोला, अरे छोटे, डैडी तो घर पर नहीं है, चलो आज हम दोनों शिकार पर चलते हैं। हाँ बड़े भाई, अब हम बड़े हो रहे हैं, अब तो हमें शिकार करना ही चाहिए, कब तक हम डैडी के सिखाने का इंतजार करते रहेंगे। फिर वह दोनों जंगल की दूसरी तरफ शिकार के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों चलते चलते जल्दी ही जंगल की दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर काफी सारे घास खाने वाले डायनासोर हैं। तो बड़ा छोटे से बोला, देख छोटे, यहाँ कितने मोटे ताजे शिकार हैं, मैं तो पहले उस बड़े वाले का शिकार करूंगा। हाँ हाँ बड़े भाई, आज हम मम्मी डैडी को दिखा देंगे कि हम भी शिकार करने के मामले में उनसे कम नहीं है। वहीं एक बड़े से झाड़ के पीछे एक शैतान डायनासोर शिकार का वेट कर रहा था। वह भी वहां उन घास खाने वाले डायनासोर का शिकार करने आया था। जब उसने डायनासोर के बच्चों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। हा हा हा, वारी किस्मत, आज तो मजा ही आ गया, बहुत दिनों से इन बेकार शाकाहारी डायनासोर का शिकार करके बोर हो गया हूँ, आज तो इन ताजे कोमल बच्चों का शिकार करूंगा। हा 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 हा। फिर वह शैतान डायनासोर उनके सामने आ खड़ा होता है। क्यों बच्चों, यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ पर शिकार करने आए हैं, चलो हटो यहाँ से, हमें शिकार करने दो। हा 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 हा, बच्चों तुम क्या शिकार करोगे, आज तो तुम खुद मेरा शिकार बनने वाले हो। हा 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 हा। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं और हमें चोट पहुंचाने की तुम्हें क्या सजा मिलेगी? हा 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 हा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे तो बस शिकार करके खाने से मतलब, फिर भी मरने से पहले बता ही दो कि तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता को खुशखबरी पहुंचा दूंगा। हा 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 हा। मूर्ख डायनासोर, हम इस जंगल के राजा हरिया के बच्चे हैं, हमें अगर जरा भी चोट पहुंची तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? अच्छा, तो तुम उस हरिया के बच्चे हो, वह तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसने मेरे पिता कालिया को मारा था, आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूंगा। हा 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 हा। अब दोनों बच्चे डर जाते हैं और जोर जोर से अपने मम्मी डैडी को पुकारने लगते हैं। उधर हरिया शिकार करके अपने घर पहुंचता है तो पूजा को वहां अकेला पाता है, और बच्चों को वहां ना पाकर वह उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है। उधर वह शैतान डायनासोर दोनों बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ मम्मी डैडी, हमें बचाओ। जंगल में घूम रहे हरिया को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे जाती है, और वह तेजी से आवाज की दिशा में बढ़ता है, और जल्दी ही वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है। रुक जा ऐ शैतान डायनासोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों का शिकार करने की कोशिश की, अब तेरी खैर नहीं। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था हरिया,
अब मैं तुमसे अपने पिता कालिया की मौत का बदला लूंगा। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। और यह डायनासोर बहुत ताकतवर था, वह थोड़ी ही देर में उस शैतान डायनासोर को घायल कर देता है। जब वह शैतान डायनासोर देखता है कि वह हरिया से जीत नहीं पाएगा, तो वह वहां से भागने लगता है। और भागते भागते वह बोलता है, मैं फिर आऊंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, फिर तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे हरिया। और फिर वह वहां से भाग जाता है। दोनों बच्चे हरिया से बिना बताए शिकार करने के लिए निकलने की वजह से माफी मांगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, माता पिता की बात न मानने की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता की बातों को जरूर मानना चाहिए।